वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए। वीवो, जैसे कि मेरे को याद है वीवो की V15 स्मार्टफोन मैंने यूज कर रहा था। उसी समय पे ना ये स्मार्टफोन एक नंबर का धासु था, पर उसका प्राइस 25,000 रुपीज था, पर वो प्राइस मेरे लिए काफी महंगा था। पर मैं एक बात तो बोलू यार, प्राइस के हिसाब से जो Xiaomi के स्मार्टफोन आते है एक नंबर के धासु रहते है। पर हम लोग बात कर रहे है वीवो की, तो वीवो की स्मार्टफोन प्राइस रेंज के हिसाब से एकदम ज्यादा ही परफॉर्मेंस कर जाती है। शायद आपने वीवो की स्मार्टफोन के अंदर कैमरा क्वालिटी को चेक किया होगा, क्योंकि इतना तगड़ा कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन में दिया जाता है मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर इन लोगों की एक खास बात है जो परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड करते हैं टू कंपेयर अदर फ्लैगशिप स्मार्टफोन काफी बेहतर रहता है। मार्केट के अंदर एक समय पे इनका सेल काफी ज्यादा था, पर अभी कुछ दिन पहले इनकी सेल थोड़ी ठीक ठाक चल रही है। पर इसी मार्केट को फिर से कब्जा करने के लिए एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही मार्केट में आने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए के अंदर आप को देगा 150 मेगापिक्सल की DSLR कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन। और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना स्मूथर परफॉर्मेंस स्मार्टफोन दे सकती है। और सबसे जबरदस्त की बात करें तो ये स्मार्टफोन के अंदर बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस इस बार हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडियन से हम लोग ज्यादा बैटरी चार्ज करना पसंद नहीं करते, पर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन के अंदर 6500 mAh की धासु बैटरी परफॉर्मेंस दी जा रही है, क्योंकि हर समय आप लोग देख रहे होंगे Xiaomi 6000 mAh बैटरी परफॉर्मेंस देता आता रहता है, पर Vivo की इस स्मार्टफोन के अंदर 6500 mAh बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी। सबसे अच्छी बात, इसको चार्ज करने के लिए 67W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है। यहाँ पर इतना बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस दी जा रही है तो बड़ी स्क्रीन भी जरूरी है। 7 inches की ये फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले स्मार्टफोन के अंदर दी जा सकती है। कैजुअल सी बात है, इस स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दे। पर और एक ट्रेंड यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि मिड रेंज के अंदर एक नया फीचर इन्होंने प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा की। आपको क्या लगता है, क्या विवो दे सकता है या फिर नहीं, चैट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर मेनली अवेलेबिलिटी की बात करें तो यह स्मार्टफोन मेनली 3 variant के साथ आ सकता है, 6GB RAM, 8GB RAM और एक होगा 8GB RAM। 6GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक 8GB RAM के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। पर तीनों स्मार्टफोन के अंदर एक्सपांड करने की सुविधा दी जाएगी अप टू 512GB तक। यहाँ पर मेरे को एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि एक स्मार्टफोन धासु होने वाला है, क्योंकि कॉलकॉम की तरफ से आने वाला कॉलकॉम स्नैपड्रैगन वाला एक नया प्रोसेसर स्मार्टफोन के अंदर मिल सकता है, जो 5G तो रहेगा ही और गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम मजेदार कर सकता है। कर विवो के स्मार्टफोन के अंदर मैंने गेमिंग कर चुका हूं और मेरे को एक्सपीरियंस अब तक A1 लग चुका है। और फ्रंट सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर मिल सकती है, और बैक साइड में कुल मिलाकर 3 cameras होंगे। प्राइमरी सेंसर तो 150 मेगापिक्सल का होगा और 2 cameras 18+8 मेगापिक्सल की हो सकती है। पर कहा जा रहा है हाई रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन हो सकता है, यानी कि 144Hz की रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन के अंदर दी जाने वाली है। और USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक भी इस बार स्मार्टफोन के अंदर हमको मिल सकता है। यहाँ पर ओवरऑल स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस एक नंबर की धासु हो सकती है। आपको क्या लगता है विवो की V25 Pro स्मार्टफोन के बारे में, मेरे को चैट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।